नमस्ते बच्चों, मैं महेश दीप पतंगे आप सभी को इस दसवीं कक्षा के हिंदी विषय क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक हमने पांच पाठ अर्थपूर्ण से पढ़ाई कर चुके हैं। पाठ छह बसंत की सच्चाई हमने पिछले कक्षा में भाग एक में प्रारंभ किया था, जो आपको तीन या चार अंक ले आने की संभावना रहती है। कभी कभी तीन अंक ले पूछता है प्रश्न, कभी कभी क्या करते हैं चार अंक में भी इस प्रश्न को डाल देता है इस पाठ से। तो एक एकांकिका है, पिछले कक्षा में भाग एक में बताया मैंने एकांकिका किसे कहते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकिका कहा जाता है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, एक रेडियो नाटककार, सुप्रसिद्ध रेडियो नाटककार विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। भाग एक में हमने पाठ का आशय, पाठ का उद्देश्य संपूर्ण देख लिया था और लेखक का परिचय भी जान लिए, पाठ के कठिन शब्दार्थों को भी जान लिए, पात्र परिचय को भी जान लिया हमने और पाठ का सारांश हमने देखा था पेज नंबर 41 पर। पहला दृश्य तक हमने यहाँ पर पहला दृश्य के कुछ पात्र के बारे में हमने जान लिया था। पहला इस एकांकिका में कितने दृश्य है बोले तो इस एकांकिका में टोटल तीन दृश्य है। कितने बच्चों? तीन दृश्य है। पात्र कौन से? मैं ऑलरेडी भाग एक में आपको परिचय दे चुका हूं। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का रहता है। शरणार्थी किसे कहते हैं वो भी मैंने भाग एक में बता दिया है। प्रताप बसंत का छोटा भाई रहता है। पंडित राजकिशोर एक मजदूर के नेता रहते हैं और तथा डॉक्टर तथा दो राहगीर व्यक्ति रहते हैं। पात्र पहले दृश्य में प्रताप और राजकिशोर की ही बातचीत होती है। प्रताप और राजकिशोर की बातचीत होती है किस दृश्य में? पहले दृश्य में। पहला दृश्य कहां होता है? स्टेज पर एक बड़े नगर का निर्माण किया हुआ रहता है, उसका प्रतीकात्मक रूप बताया जाता है, जो बाजार का स्वरूप है, जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग खरीदी बिक्री लेन देन कर रहे हैं। उसी बीच में उस स्टेज पर एक नंगे पैर फटे कपड़े पहने हुए एक 12 साल का बच्चा प्रवेश करता है, जिसके हाथ में कई सामान है। वो आवाज लगा रहा है, सामानों का परिचय दे रहा है। स्टेज पर पहला दृश्य का स्टेज पर ये एक प्रतीकात्मक क्या है बच्चों? दृश्य है। बसंत आवाज दे रहा है, पुकार रहा है, छलनी लीजिए, बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए, इस प्रकार से वो बाजार में आवाज दे रहा है। लेकिन बाजार में आते जाते लोग कोई उसको देखने को तैयार नहीं है। तो उतने में बसंत की नजर एक खद्दरधारी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, खादी के कपड़े पहने हुए व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ती है। बसंत उसके ओर भाग पड़ता है और भागते ही उनको जाकर बसंत साहब बटन लीजिए, अपने एक एक परिचय, अपने एक एक वस्तु को जो बेचने वाला है, फेरी वाला है, वो छोटा मोटा सामान लेकर बिजनेस कर रहा है, वो अपने वस्तु को एक एक परिचय दे रहा है। साहब बटन लीजिए, साहब दिया सलाई लीजिए, साहब साहब छलनी लीजिए, बोलकर एक एक वस्तु का परिचय दे रहा था। राजकिशोर से बार बार मना करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये कोई भी वस्तु, मुझे नहीं चाहिए। साहब दिया सलाई लीजिए, साहब बटन लीजिए, साहब छलनी लीजिए, बोलकर एक एक वस्तु का परिचय देते। बसंत राजकिशोर इनकार करते कि मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। अंत में रुआ सा चेहरा कर बसंत क्या बोलता है? साहब सवेरे से कुछ नहीं बिका, आपको देखकर आशा थी कि आप कुछ ना कुछ खरीद लेते, पर आप तो कुछ लेने को तैयार नहीं है, बोलता है। फिर बाद में ऐसा रुआ सा चेहरा देखकर राजकिशोर अपने जेब में से दो पैसे निकालकर उसे देते हैं, तो वहां पर वो बसंत वो दो पैसे लेने से इनकार कर देता है। यहां तक हमने पढ़ा था। पेज नंबर 43 पर फर्स्ट लाइन पर आओ बच्चों। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। दो पैसे निकाल कर लेते, मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, चली नहीं चाहिए, बटन नहीं चाहिए, दिया सलाई नहीं चाहिए, तो दो पैसे निकाल कर देते रहते। तो नहीं साहब, मैं पैसे ऐसे नहीं लूंगा, बोलते बसंत। राजकिशोर, नहीं लोगे? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए, दो आने की छलनी खरीद लीजिए, लेकिन मैं आपसे दो पैसे यूं ही नहीं लेने वाला, आपसे दो पैसे यूं ही नहीं लेने वाला। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? तो राजकिशोर पूछते, अच्छा तो एक छलनी में तुम्हें क्या मिलेगा? तो बसंत बोलता है, एक छलनी में उसे क्या मिलता है बोले तो? बसंत, दो पैसे।
दो आने की छलनी अगर वो बेचता है, मैंने आने का हिसाब भी आपने पिछले भाग एक में आपको आने का हिसाब भी बता दिया मैंने, कितने आने से एक रुपए बनता है, कितने आने से 25 पैसे बनते हैं, कितने आने से अठन्नी बनती है, आने में कितने पैसे रहते, सभी डिटेल आपको बता दिया। तो दो आने का एक छलनी बेचे तो प्रॉफिट बसंत को कितने और है, 2 पैसे का, कितने 2 पैसे का। राजकिशोर बोलते सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक ले लो तो आपको ये पात्र परिचय जो एक एक है पढ़ने में देखने में दिक्कत होगी, तो आप जरूर अपना टेक्स्ट बुक निकाल कर देखने का काम करेंगे तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी। पेज नंबर 43 पर मैं पढ़ रहा हूं। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत, 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। अब तुझे एक दो आने की एक छलनी तुम बेच देते हो तो 2 पैसे प्रॉफिट होते, छलनी तुम्हारे पास ही रख लो, समझ लो कि एक छलनी बिक गई और 2 पैसे तुम्हें मोना प्रॉफिट हो गया बोलकर कौन बोलते हैं? राजकिशोर। किसे बोलते हैं? बसंत को। क्या बोलते? 2 पैसे रख लो, छलनी बिक गई बोलकर समझ कर 2 पैसे ले लो बोलते बसंत। नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले ले। बसंत इनकार करता है। साहब क्यों? बोले तो सच्चाई की राह पर चलने वाला एक प्रामाणिक लड़का है, वो यूं ही कोई दिए से 2 पैसे लेकर भिखारी नहीं बनना चाहता। और राजकिशोर को उत्तर देता है, नहीं साहब मैं पैसे 2 पैसे नहीं लूंगा, अच्छा होगा आप छलनी खरीद ले और मुझे 2 आना दे दे, लेकिन मैं बिना छलनी के आपसे 2 पैसे लूंगा तो ये भीख कहलाएगी, मैं भीख नहीं लेता। आज के जमाने में ऐसे लोग होते हैं कि चोरी करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसके पास मेहनत से कमाना चाहता है, वो परिश्रम से कमाना चाहता है, तो बसंत 2 पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है, ये भीख है। यही बात का प्रभाव पंडित राजकिशोर पर बसंत की बातों का प्रभाव पड़ता है। कपड़े फटे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, सवेरे से कुछ नहीं बिका, मैं उसे 2 पैसे देने को तैयार हो तो लेने को तैयार नहीं, तो उसकी ईमानदारी का वहां पर प्रभाव पंडित राजकिशोर पर पड़ता है। आगे देखिए, नहीं साहब नहीं, बसंत नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप लो आप छलनी ले लो। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है, वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलते। उस बसंत की बात सुनकर पंडित राजकिशोर पर प्रभाव पड़ता है कि ये बच्चा ईमानदार है या ऐसे ही जाने वाला नहीं है, तो उससे छलनी खरीद लेनी ही पड़ेगी बोलकर पंडित राजकिशोर क्या करते हैं, अपने जेब टटोलते, जेब टटोलते हैं ना, अब हम एक जेब में रखकर यहां ढूंढते हैं, यहां ढूंढते हैं, यहां के देखते हैं, यहां के देखते हैं, यहां के देखते, उसे टटोलना कहते, ढूंढना ही नहीं, आंखों के सामने ढूंढना, अब पेन कहां रखे हैं, यहां है, या आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन टटोलना ही नहीं, बिना देखे टटोलना, जेब में हाथ डाल रहा हूं, अपने पेन के जेब में हाथ डाल रहा हूं, इधर डाल रहा हूं, इधर डाल रहा हूं, तो अंदर 1 रुपए है 2 रुपए है कुछ है मालूम नहीं होता, ढूंढते हम, ढूंढने को उसे क्या कहते बच्चों, टटोलना बोलते। तो राजकिशोर भी अपने पैजामे के शर्ट में उसमें इसमें पैजामे में जेब में हाथ डालकर टटोलते हैं कि कुछ पैसे है क्या बोलते। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है, वे सहसा उस बच्चे को देखते ही फिर जेब टटोलते, टटोलना मालूम हो गया क्या हो गया, जेब में हाथ डालकर ढूंढना, इधर उधर पैसे है क्या बोलकर चक्कर है, टटोलना कहते, पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। उदास, बसंत उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिखाई नहीं। राजकिशोर, पंडित राजकिशोर बसंत के पास से 2 आने की छलनी खरीदने के लिए जेब टटोलते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं मिलते, वहां पर पैसे नहीं मिलते, नोट रहता है, 1 रुपए का नोट रहता है, लेकिन चिल्लर नहीं रहते, तो उसको नाराज करने से अच्छा है उसको क्या बोलते हैं, बसंत तुम यह काम करो, अब फिलहाल मेरे पास 2 आने छुट्टे नहीं है, नोट है, तुम क्या करो, तुम भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, पैसे नहीं है होते तो ले लेता। यह सुनकर बसंत उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, दुखी उदास होकर क्या कहता है, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, अगर कुछ बिका तो ही उसके पास पैसे रखते लेन देन के लिए,
सवेरे से बसंत का कुछ सामान ही नहीं बिका तो उसके पास छुट्टे कहां से रहेंगे, चिल्लर कहां से रहेंगे। उदास होकर उत्तर पंडित राजकिशोर को देता है। राजकिशोर, तभी तो मैं कहता था अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूं। अब उसके उदास चेहरा देखकर, बसंत का एक उदास दुखी चेहरा देखकर पंडित राजकिशोर क्या कहते हैं, देखो बेटा अब तो चिल्लर नहीं है, नोट है, तुम काम करना, कल लेकर आओ या कल मेरे घर पर आओ, मैं किशनगंज में रहता हूं। किशनगंज क्या है, पंडित राजकिशोर के रहने की जगह है। किशनगंज कहां रहता है, जो पंडित राजकिशोर वहां पर उनका घर है, कहां पर, किशनगंज में पंडित राजकिशोर रहते हैं। तो उसे बोल रहे तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूं। उसको एड्रेस दे रहे कल ले लूंगा, अगर बाजार में आए तो कल ले लूंगा, अगर कल नहीं आए तो तुम क्या करना, किशनगंज आना, वहां पर मैं रहता हूं, वहां पर मैं तुमसे छलनी खरीद लूंगा। बोलकर राजकिशोर बोलते बसंत, और एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूं। बसंत बोलता है मैं कल नहीं दूंगा साहब, छलनी आज ही खरीद लो मुझसे। आप क्या करो, जो नोट एक रुपए का, दो रुपए का, जो भी नोट है, वहां पर कीमत नहीं बताया, वो नोट मुझे दे दो, मैं अभी उसे बाजार में जाकर छुट्टे कर लेता हूं, भुना लाता हूं। इसका मतलब शब्दार्थ में स्पष्ट दिया है, भुना लाने का मतलब उसको छुट्टे करना, चिल्लर करना। 100 रुपए का नोट है, हम 10 रुपए का कुछ सामान लेते हैं तो छुट्टे लेते, छुट्टे कर लेकर 10 के 50 से छुट्टे कर लेकर देते ना, चिल्लर कर बोलते ना, उसे भुना लाना बोलते। समझ में आया बच्चों, भुना लाना किसे कहते, बड़े नोट को छोटे नोट में बदलना या चिल्लर में बदलना, उसे भुना लाना कहते हैं। नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं। राजकिशोर, भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए, ऐसा सोचते हुए राजकिशोर उसके हाथ में नोट दे देते हैं। बसंत, बस मैं अभी आया। बसंत बोलते साहब आप यही दे रही है, मैं अभी आया, चिल्लर बनाकर नोट भुनाकर अभी आया। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना। वो भी किसी काम से जाना पड़ता, उनको भी अर्जेंट होगा, तो वो बोल रहे जा भाई तुम बहुत ही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नोट देता हूं, तुम जाकर बाजार से भुना लेकर आओ, मैं यही ठहरता हूं, लेकिन जल्दी आना। बसंत क्या कहते देखो, राजकिशोर अच्छा भुना लाओ अभी आना। बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरिए, अभी पलक मारते ही आया। राजकिशोर को बसंत नोट लेकर क्या बोल रहे, मैं अभी आया, आप यही ठहरिए, चिल्लर लेकर आ जाता हूं। पलक मारते बोलकर यहां पर शब्द दिया है, पलक मारते नहीं, जैसे हम आंख बंद कर आंख खोलते उसे पलक मारना बोलते, ऐसा आंख बंद कर आंख खुला करने तक का समय जिसे पलक मारना बोलते, आंख बंद कर आंख खोलने तक का समय को पलक बंद और चालू करने को पलक मारना बोलते, यानी उतने में ही मैं चिल्लर लेकर आता हूं, आप मेरा इंतजार कीजिए। बोलकर बोलने का मतलब पलक मारते ही आया। आगे देखो बच्चों, ब्रैकेट में दिया है, बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है, राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। बसंत उनसे नोट लेकर भागते हो, अभी आया साहब मैं पलक मारते ही आया, बोलकर नोट लेकर उधर ही चले गए। 10 कितना हो गया, धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत गए, अभी आता हूं बोलकर गया वो लड़का वही बाजार में। पंडित राजकिशोर इधर से उधर घूम रहे हैं, टहल रहे कि लड़का अब आता होगा बोलकर 15-20 मिनट बीत गए, उसके इंतजार कर रहे, उत्सुकता से नहीं, बड़ी बेचैनी से। अब हम कुछ घर में अगर कुछ वस्तु आने वाली रहती है तो हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि कब कब आए, कब कब देखूं, उसमें उत्सुकता बोलते हैं, यानी बेचैनी रहती है कि कब देखूं उसे। तो उसी प्रकार पंडित राजकिशोर को भी बेचैनी हो गई कि ये लड़का कब वापस तक नोट भुनाकर आएगा। पेज नंबर 44 पर आओ बच्चों, पंडित राजकिशोर वही इंतजार करते करते आगे क्या कहते देखो, राजकिशोर 15 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया, कहां गया, कहां रह गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटे। पलक मारते ही आपको बोलकर जाने वाला लड़का अभी नहीं आया, 15-20 मिनट बीत गए,
तो इंतजार करते करते पंडित राजकिशोर सोचने लगे कि यह लड़का अब नहीं आएगा बोलकर वो वहीं पर उसका इंतजार कर कर नहीं आते बोलकर वो देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। बच्चों पहला दृश्य हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या होता है, पहला दृश्य कहाँ घटता है, किस किस के बीच में बातचीत होती है और लास्ट में क्या होता है अंत में कि वो बसंत छुट्टे करने के लिए नोट ले जाता है, पंडित राजकिशोर वहीं रास्ता देखकर लौट जाते हैं। यहां तक हो गया पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है, दूसरा दृश्य पेज नंबर 44 पर है। उसमें कौन से पात्र बात कर रहे हैं ये आपको मैं परिचय देता हूं। यहां पर बसंत नहीं है, बसंत पहले पात्र में था, पहले दृश्य में था। अब दूसरे दृश्य में बसंत का छोटा भाई प्रताप है, एक राहगीर व्यक्ति है और दूसरा राहगीर व्यक्ति यानी रास्ते में चलने वाले व्यक्ति दूसरा, और राजकिशोर, इन चारों का ही बातचीत हो रहा है। ध्यान में रखिए, प्रताप है, एक व्यक्ति राहगीर, दूसरा व्यक्ति राहगीर और चौथा व्यक्ति पंडित राजकिशोर है। अब जैसे पहला दृश्य कहां घटता है, एक नगर के बाजार में घटता है बोलकर आपको लिखने आना चाहिए। अब दूसरा दृश्य कहां घटता है उसका परिचय यहां पर देख रहे हैं, देख लो यहां पर स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, स्टेज पर थोड़ा परिवर्तन किया गया है, बाजार का दृश्य था थोड़ा उसमें से परिवर्तन किया गया है। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर बाजार था, अब किशनगंज नामक एक बोर्ड लगा गया, एड्रेस दिया गया, किशनगंज नामक बोर्ड लगाया गया है स्टेज पर। हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। जैसे पहले बार बाजार में बसंत प्रवेश करता है, अब यहां पर दूसरे दृश्य में एक स्टेज पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, उसमें बाजार की जगह किशनगंज का बोर्ड लगाया गया है, एड्रेस दिया गया है किशनगंज जहां पंडित राजकिशोर रहते हैं, और हल्का सा शोर है, आने जाने वाले का उस रास्ते पर शोर है, संध्या का समय है, यानी संध्या का मतलब शाम हो चुका है, इवनिंग का समय है, संध्या का समय है, लोग घरों की ओर लौट रहे, जाहिर है शाम को लोग अपने अपने घर कामकाज कर कर घर के ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला, दुबला पतला नहीं, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, दुबला पतला से एक लड़का जल्दी जल्दी आता है, गड़बड़ में आता है, बेचैनी के साथ आता है। वह नंगे पैर, जैसे बसंत भी नंगे पैर था, जो उसका भाई भी नंगे पैर ही स्टेज पर आ रहे हैं, कपड़े फटे हैं, बसंत के भी कपड़े फटे हुए थे, इसके छोटे भाई के भी पास चप्पल नहीं है, नंगे पैर है, बसंत के भी कपड़े फटे थे, प्रताप के भी कपड़े फटे हैं। आयु लगभग 10 वर्ष है, तो वहां पर बसंत की कितनी है, 12 वर्ष है, तो यहां पर उसका छोटा भाई 2 साल छोटा है, तो आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, जो जल्दी जल्दी किशनगंज में आ रहा है उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है, वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्याग्रता है, उसके मुख पर क्या है, व्याग्रता है, व्याग्रता है नहीं, बेचैनी, एक परेशानी सी, मिलेगा या नहीं मिलेगा, देंगे या नहीं, ऐसे कुछ बेचैनी रहती ना, दुविधा में है, बेचैनी में है, नंगे पैर फटे कपड़े पहनकर वो किशनगंज में रोड पर घूम रहा है, आने जाने व्यक्ति, आने जाने वाले लोगों से कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये। अब आपको प्रश्न पूछेगा दूसरा दृश्य कहां घटता है, तो उत्तर समझ में आया कहां घटता है, ठीक है। अब मैं पात्रों की ओर जा रहा हूं, पहले प्रताप, प्रताप बात करता है, क्यों जी किशनगंज यही है, एक राहगीर व्यक्ति से पूछ रहा है, एक राहगीर व्यक्ति से प्रताप पूछ रहा है, रास्ते पे हम भी पूछते ना, कहीं जाते हैं कोई, अगर हमारे गली मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति आता है तो एड्रेस पूछते हैं, क्या भाई साहब ये इन्हीं का घर है, तो मालूम रहता हाँ इनका घर है बोलते, नहीं मालूम है तो दूसरे को पूछो बोलते, सहज है, नहीं मालूम है तो गलत एड्रेस तो नहीं दे सकते, तो सही एड्रेस मालूम है तो बोलते, कुछ कुछ शरारत के बच्चे गलत एड्रेस भी दे देते, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। प्रताप, क्यों जी किशनगंज यही है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति राहगीर, एक व्यक्ति, हाँ
किशनगंज यही है बोलकर उत्तर देता है प्रताप। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? प्रताप प्रश्न पूछ रहा उस राहगीर व्यक्ति से, एक राहगीर व्यक्ति से, किशनगंज यही है, हाँ है। तो और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है उस व्यक्ति से, क्या पंडित राजकिशोर यही रहते हैं या कहाँ रहते हैं पूछ रहा है। एक व्यक्ति कौन राजकिशोर, शायद उसे मालूम नहीं, और ऐसा है भी नहीं कि उसे मालूम रहे, मालूम रहे तो है बोलते, नहीं तो नहीं है बोलते। तो व्यक्ति बोल रहे कौन राजकिशोर, एक व्यक्ति प्रताप जो लेक्चर देते हैं, मजदूर की बस्ती में जाते हैं, हम उनका जितना मालूम है उतना एड्रेस पूछ रहे हैं, जो लेक्चर देते हैं, लेक्चर देते हैं और मजदूरों के बस्ती में भी जाना आना रहता है उनका, वो राजकिशोर चाहिए हमें। एक व्यक्ति मैं नहीं जानता, आगे पूछ, उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे वो ऐसे जो लेक्चर देते हैं मजदूर के बस्ती में जाते हैं ऐसे राजकिशोर के बारे में मुझे कोई पता नहीं, तुम आगे और किसी और दूसरे व्यक्ति से पूछ लो बोलकर सलाह देकर वो व्यक्ति चला जाता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति का पात्र खत्म होता है, दूसरा व्यक्ति वहां पर मिलता है इसे प्रताप को। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। अब पहले वाले व्यक्ति ने तो एड्रेस नहीं बताया, मालूम नहीं, अब दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है देखो। प्रताप क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं? दूसरे व्यक्ति से सेम प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूर के नेता है, अब शायद इसे मालूम होगा तो बोल रहे कौन पंडित राजकिशोर जो मजदूरों के नेता है। प्रताप हाँ हाँ वे ही, प्रताप बोलता है हाँ हाँ वे ही राजकिशोर। दूसरा व्यक्ति इशारा करके उधर देखो वह नीले पर्दे पर्दा है ना, वो व्यक्ति बोल रहे ओ देखो सामने, इशारा कर ओ देखो सामने जो नीला पर्दा है, इशारा करते हुए संकेत करते हुए दिशा बता रहे, ओ देखो नीला पर्दा है ना। प्रताप हाँ दिख रहा है मुझे, तुम बता रहे हो नीला पर्दा वाला घर, हाँ। दूसरा व्यक्ति बस वे ही वहीं रहते हैं, नीले पर्दे वाला जो मकान है ना वहीं पर रहते हैं पंडित राजकिशोर। तो बसंत को उनका एड्रेस घर मिल गया, इनका पंडित राजकिशोर का, जो बेचैनी से उनके घर की तलाश कर रहा था उसका एड्रेस प्रताप को मिल जाता है। आगे देखो, अभी दोनों व्यक्ति का काम पात्र खत्म हो गया, दोनों व्यक्ति चले गए, अब प्रताप और राजकिशोर के बीच में बातचीत होती है। देखो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। नीले पर्दे वाले मकान को जो दूसरा व्यक्ति बोलता है ना, यहाँ पर है देखो नीले पर्दे वाला बोलकर इशारा कर उसी के एड्रेस को लेकर वो उस नीले पर्दे वाले के मकान के पास जाता है, जाकर आवाज देता है, पुकारता है, क्या कहते हैं देखो। प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, आवाज दे रहे कौन? प्रताप। अब सहसाम किसी के घर को जाने के बाद डोरबेल तो बच जाते हैं, अगर डोरबेल नहीं है तो दरवाजे को तो खटखटाते हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो आवाज देते हैं उनके नाम से, तो प्रताप भी उनके आवाज दे रहा है। प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, आवाज देता है अंदर से आवाज, राजकिशोर, पंडित राजकिशोर कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं, क्यों भाई क्या बात है? डोर नहीं खोलते, खिड़की खोलकर देखते हैं कि कोई लड़का है, मुझे आवाज दे रहा है, क्यों भाई क्या काम है, क्यों आवाज दे रहे हो बोलकर पंडित राजकिशोर प्रताप से पूछते हैं, खिड़की में से बात करते हैं। प्रताप जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, प्रताप उत्तर देता है जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर तुम्हारा भाई? खैर मैं आता हूं बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? अब रोजाना बहुत से लोग मिलने के बाद शक्ल मालूम नहीं रखती तो पूछ रहे हो सहसा कौन तेरा भाई, मैं नहीं जानता, तू कौन है बोलकर घर से बाहर दरवाजा निकालकर बाहर आते हैं, तू कौन है, तेरा भाई कौन है, मुझे मालूम नहीं बोलकर पंडित राजकिशोर प्रताप से बात करते हैं। जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर तुम्हारा भाई? सर मैं आता हूं बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी, अब
प्रताप बोल रहे, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी भेजी बेची थी, तो अब राजकिशोर के दिमाग में आ गया कि एक लड़का कौन है जो बाजार में मुझे छलनी बेचने आया था, उसका छोटा भाई लग रहा है, बोलकर राजकिशोर को संदेह हो जाता है। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, एक रुपए का नोट दिया था। पंडित राजकिशोर को याद आ जाता है कि मैंने दोपहर में बाजार में एक लड़के के बार बार गुजारिश करने पर चिल्लर ना रहते हुए भी मैंने उसे एक नोट दिया था, वो भुनाने चला गया और मैं इंतजार कर कर वापस चला आया, मुझे याद है, बोलकर पंडित राजकिशोर बोलते हैं। वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। तो यहां पर वो बोल रहा है, पंडित राजकिशोर बोलते कि मैंने दोपहर में एक लड़के को नोट दिया था एक रुपए का, वो भुनाने लातों बलकर उधर ही चला गया, वापस नहीं आया, तो आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। बोले तो वहां पर प्रताप बोल रहा है, वह नोट भुनाने गया था आपसे एक रुपए का नोट लेकर, आपसे एक रुपए का नोट लेकर वो भुनाने गया था, मगर भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। यानी दौड़ता हुआ बसंत बाजार में नोट भुनाने गया होगा तो इधर उधर नहीं देखा होगा, तो मोटर ट्रैफिक रहती है तो उस पर वो मोटर निकल गई, बोलकर एक बुरी खबर प्रताप पंडित राजकिशोर को देता है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, अगली कक्षा में आगे क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अब इस पाठ में हमें क्या क्या, इस भाग में हम पर क्या क्या प्रश्न उद्भव हो सकते हैं तो उसके बारे में थोड़ा दृश्य चर्चा करना चाहता हूं। तो आपको पहला दृश्य कहां घटता है बोलकर प्रश्न आएगा, अब दूसरा दृश्य कहां घटता है बोलकर प्रश्न आएगा, तो उत्तर क्या देंगे आप, तो दूसरा दृश्य किशनगंज में घटता है, किशनगंज के रास्ते पर घट जाता है बोलकर आप लिख सकते हैं। प्रताप कौन था, यह भी प्रश्न आएगा आपको, प्रताप बसंत का छोटा भाई था, ये उत्तर आपको आना चाहिए। प्रताप का उम्र क्या थी या आयु क्या थी, तो वहां पर आपको लिखने आना चाहिए कि प्रताप की उम्र या आयु 10 वर्ष की थी। तो और एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं, तो उत्तर है पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते हैं। और एक प्रश्न आने की संभावना रहती है कि प्रताप कितने लोगों से पंडित राजकिशोर जी का पता पूछता है, दो व्यक्तियों से वो पता पूछता है। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब तक हमने दृश्य दो में अभी थोड़ा सा भाग बचा है, तो उसे हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा, अगर आपको इस पर कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 45 पर चित्र दिया है कि पंडित राजकिशोर से प्रताप बातचीत कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, कि अपने भाई के बारे में क्या बता रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ चित्र में दिया है, चित्र देख लो और इस पाठ को अच्छे तरह से जितना हो गए भाग एक भाग दो पढ़ लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको ये पाठ समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसे रोक देता हूँ, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपको कुछ प्रश्न है या कुछ डाउट है तो बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।